अभी हम बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में है। आज नामांकन का अंतिम दिन था और रविंद्र सिंह भाटी ने आज नामांकन रैली आयोजित की थी, उसमें शामिल हुए। लोगों से बात करते हैं, किस तरह का माहौल है बाड़मेर जैसलमेर, किस तरह का माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, आप देख लो, चारों तरफ नजर घुमा तो लोग ही लोग है, सतीश कौम के लोग है। भाटी साहब की जीत है 100%, कोई नहीं हरा सकता है, आप देख लो। ये क्या जरूरत पड़ी विधायक जीतने के बाद में भी अब लोकसभा चुनाव? लोगों की आवाज है, कौन उठाए भाटी साहब के सिवाय? जो सांसद है वो पहले रह चुके, मंत्री रह चुके, वो लोगों के भावनाओं में खड़े उतरे नहीं, इसलिए भाटी साहब को कहा। कैलाश चौधरी जी ने काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया, जीरो काम है, धरातल पर कोई काम नहीं। पानी की लड़ाई इतनी बड़ी है कि रविंद्र सिंह को लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ा? बिल्कुल, पानी की बहुत बड़ी लड़ाई, किल्लत है हमारे पंजी में, राजस्थान में बहुत ज्यादा पानी की समस्या है। यहाँ पे पानी की टंकी के लिए 1,000 रुपए खर्च करने पड़ते और 2 दिन का इंतजार करना पड़ता है, पानी की समस्या बहुत भारी है और गर्मी में बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। एक विधायक बने, अभी विधायक 2-3 महीने रहे हैं, किस तरह का काम हुआ भी? अभी तो सर ऐसा है कि इनसे पहले विधायक रहे, लोगों ने 10-10 साल रेगुलर सरकार चलाई, अभी तो इनको 2-3 महीने हुए, उसमें आप धरातल पे देखो बहुत अच्छे काम हुए, स्वास्थ्य के प्रति हुए, बाकी जो सरकार की योजना है वो तो अभी चालू हुई है, 3 महीने हुए, बाकी उससे पहले बहुत अच्छे काम किए 3 महीने में। रेगुलर जो सेवा है, भाटी साहब को किसी ने रात को 1 बजे फोन किया तो उसका फोन अटेंड करके उसको रेस्पॉन्स मिला है, ऐसे नहीं कि खाली कोई गया, वो तो नहीं हुआ। रविंद्र सिंह भाटी भाजपा के वोट ज्यादा तोड़ेंगे या कांग्रेस के? नहीं, वो जनता, उनको जनता चाह रही है, वो जनता जनता के हितैषी है, वो कोई पार्टी से नहीं है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए वो जनता के हितैषी है और जनता चाह रही है उनको। बाड़मेर जैसलमेर वालों से पार्टी है, आपको क्या लगता है, आपको किसकी सरकार बनेगी भारत में? भारत में तो पता नहीं, लेकिन जैसलमेर बाड़मेर और बालोतरा में रविंद्र सिंह भाटी भारी मतों से विजय होंगे, ये कन्फर्म है। और जो इलेक्शन लड़ रहे हैं अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे, बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता की डिमांड है कि आप इलेक्शन लड़ो। ये दो हैंडपंप सैंक्शन हुए, उसकी लड़ाई तो नहीं है? उसकी कोई लड़ाई नहीं है, जनता की डिमांड है। बहुत लंबे समय बाद में एक मजबूत नेता मिला बाड़मेर जैसलमेर की जनता को, या तो जसवंत सिंह की जसवंत है, उसके बाद में जनता को लग रहा है कि उनकी जगह कोई ले सकता है, तो वो रविंद्र सिंह भाटी है। उनमें कह रहे भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हैंडपंप भी जसवंत सिंह जसवाल की जगह पे बड़े, वो बड़े नेता थे जो यहाँ का जो एरिया है बाड़मेर जैसलमेर, इनके इनके लोगों की जो सच्चे हिते सीधे जसवंत सिंह जी जसवाल थे, यहाँ के लोगों की जो समस्याएं थी वो उनको बहुत अच्छे से पता थी और उनको काफी हद तक उन्होंने जो समस्या थे दूर करने की पूरी कोशिश की है, और वही उसका रूप देख रही है जनता रविंद्र सिंह में। उनको लग रहा है ये आदमी काम करेगा यहाँ पे। क्या लगता है, बीजेपी बाहर हो गई है लड़ाई से? बीजेपी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, हो हमारे को ओनली पार्टी चाहिए, बस मैं सिवाना ब्लॉक से आता हूँ, मैंने नहीं तो कभी मंत्री जी को देखा और नहीं किसी को देखा, ओनली फॉर पार्टी। क्या लगता है बीजेपी दूसरे नंबर पे कौन रहेगा अगर पार्टी नंबर 1 पे रहते हैं? अबे फर्स्ट पार्टी है, दूसरे तीसरा गया, ओनली पार्टी, बस पार्टी। पानी की समस्या इतनी बड़ी है, पानी की समस्या है, हम किसान है, हमारे किसान का दुख दूर करेगा रविंद्र भाटी और कोई नेता नहीं करेगा, ये गारंटी बात है। विधायक बने थे, क्या कुछ कराया अभी तक? आएगा, अभी आया है, अभी तो कुछ टाइम तो नहीं मिला है, यात्रा कर रहा है, आएगा, सब कुछ आएगा। मोदी है राजस्थान का रविंद्र सिंह पार्टी, हमारे लिए मोदी है रहे, बस ये बात। जाट वोटर ज्यादा है, ऐसे में उम्मीदवार हमें टक्कर दे सकता है? जाति कोई नहीं है, लेकिन सबको देगा, जो अच्छा काम करेगा उसको देगा। क्या लगता है किस तरह का माहौल है? माहौल रविंद्र का बहुत फुल माहौल है, रविंद्र जीतेगा यहाँ से 3 लाख+। उम्मीदवार हम टक्कर नहीं देगा? नहीं, टक्कर कोई टक्कर में नहीं इनका, ये मिनी मोदी है, इनका कोई टक्कर में नहीं है, खाली रविंद्र सिंह। कहाँ से आया? हम गुड़ामालानी विधानसभा से है। कितनी दूर गाड़ी पार की, कितना पैदल? हमने तो गाड़ी पार की चौटन चौराहे पे गाड़ी पार की, 3 किलोमीटर पैदल आए। क्या लगता है आपको किस तरह? रविंद्र सिंह भाटी, ओनली फॉर रविंद्र सिंह भाटी, और कोई है ही नहीं, टक्कर पे ही कोई नहीं, रविंद्र सिंह भाटी के अलावा कोई नहीं। कैलाश चौधरी ने कोई काम नहीं करवाया? अरे कुछ नहीं करवाया, हम देख रहे, मैं जैसलमेर से आया हूँ, मेरे गाँव डामरू से आया हूँ, मैंने देखा वहाँ पर हमारे कुछ काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आएंगे, मोदी जी अगर जनसभा करते हैं तो क्या रविंद्र सिंह भाटी का माहौल जो है वो कम हो जाएगा? मोदी जी को हम मानते हैं, लेकिन जहाँ रविंद्र है
वह मोदी को हम कुछ नहीं मानते, क्योंकि हमारा गांव का है, मतलब हमारे गांव का है, हम सबके लिए अच्छा करेगा ये। हमने देखा दूर दूर से आए, वहां से आए, लगभग 250 किलोमीटर से आया हूँ मैं। मैंने देखा लोगों के अंदर रविंद्र सिंह के प्रति बहुत अच्छी भावना, मतलब बस की गई थी किस तरह से, हमारे वहाँ से बसें भी आई है, कई गाड़ियां भी आई है, हम पर्सनल गाड़ी लेके आए हैं वहाँ से, मैं गाड़ी लेके आए, छह सात लड़के आए, मतलब हम पर्सनल गाड़ी लेके आए, बाकी हमारे वहाँ गांव से जो बसें आई है, जो बसें आई है वहाँ से बहुत लोग आए, लोग बहुत चाह रहे हैं, दिल से चाह रहे हैं। किस तरह का माहौल है भाई साहब? बहुत अच्छा माहौल है भाई साहब। क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है भारत में 400 पार का नारा दे रहे हैं, एक तरफ रविंद्र सिंह भाटी आपके लोकसभा क्षेत्र से लड़ाई कर रहे हैं, अगर वो जीतते हैं तो विकास कार्य कैसे होगा? विकास कार्य अच्छा होगा, निर्दलीय उम्मीदवार है, ऐसे में सरकार बन कैसे देगी? कैसे देगी आपको लगता है? लगता है हमारे को, आपको क्या लगता है भाई साहब किस तरह का माहौल है? माहौल तो आप खुद देख लिया, मैंने पूछू ना कहूँ, अरे एक तरफ ही कर्म क्रीड़ा बता दिया था रविंद्र सिंह जी, मंत्री जी भी कर्म क्रीड़ा कल धोई देता था, हरी जी आप देता था पर्चे, उन्होंने यह किया नहीं, स्कूल कैला जी मंत्री है कि काम कर रहे हो? कैला जी हरी जी भाई एक पटा दो चल गए काम कराया, एक वर्ग रो कराया, दूसरे को नहीं करा। परसेप्शन बन गया है कि रविंद्र सिंह भाजपा में शामिल हो रहे हैं, इन वास्ते भाजपा का वोट है जो ज्यादा मिल रहा है, ये तो भाजपा नुकसान हो जाएगा, क्या बोला? अब तो कोई भाजपा ने इनको भेजो तो एक तरफ ही भाजपा ने इनको, कांग्रेस ने हो तो हमारे तो एक तरफ है, बस कितनी जाए तो पब्लिक तो आ गया, ठीक है। किन्तु फाइट मानो आप रविंद्र, एक किन्तु फाइट मानो, दूसरे नंबर मत कौन? दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर तो सेकंड और थर्ड लड़ेंगे, उन दोनों में रेस है, तो उनमें से कौन आगे जाता है वो उनकी लड़ाई है, वो तो एक तरफा हो गया मामला। सरकार किसकी बनेगी भारत में, क्या लगता है? सरकार मोदी जी की बनेगी, मोदी जी की सरकार बनेगी तो रविंद्र सिंह जीतेंगे तो काम करते हैं? वो भी इसी विचारधारा के आदमी है और वही दिल्ली जाएंगे और वही बताएंगे वहाँ। आपको लगता है रविंद्र जीत के भाजपा में शामिल होंगे? अब वो उनका है, होंगे तो उनकी विचारधारा वही है। अभी मोदी की सरकार बनने पर यहाँ पे लोकसभा में रविंद्र जीत के आएगा? अभी बात ये है, पांच साल में कैलाश जी ने क्या किया, क्या विकास किया, पांच साल के अंदर उन्होंने सिर्फ केंद्रीय मंत्री बन के पूरे क्षेत्र में एक ही जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पे लोगों को जाके उनके सुख दुख में शामिल हुए हों, वही कैलाश जी है। हम बालोतरा में रहते हैं, कभी बालोतरा की हजारों समस्याएं हैं, कोई उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। कल डोटासरा जी आए थे, उम्मेदराम जो है आरएलपी से कांग्रेस में आए हैं और एक गठबंधन भी हुआ है नागौर विधानसभा लोकसभा में, क्या लगता है टक्कर दे पाएंगे? डोटासरा जी यहाँ नाचने के लिए आए थे और वो सबको बचा के चले गए, टक्कर नहीं दे पाएंगे उम्मेदराम जी? बिल्कुल ही नहीं दे पाएंगे टक्कर, एक तरफा मामला है। आज आपने देखा होगा, कल भी आप होंगे और आज भी आप है, दोनों में से कंपेरिजन कर लो, कौन और किसका जनता का उत्साह है, किसके साथ है। जनता 10 साल से इनके काले कारनामों से और इनके राज से तंग आ चुकी है, इसलिए ये 36 को उनकी जनता ने ये निर्णय लेके इस तरह से भारी समर्थन दिया है। ये थे रविंद्र सिंह भाटी की नामांकन सभा में शामिल होने वाले लोग, जिन्होंने कहा कि पूरा एक तरफा माहौल है और रविंद्र सिंह भाटी एक तरफा जीत कर बाद जैसलमेर लोकसभा सीट से जीत कर आ रहे हैं। सुमित देवड़ा, टीवी।